हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कोहिनान अपनी वहाँ पर मार्शल टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद उस कुंग-फू हॉल से बाहर निकल आता है। तभी रास्ते में मोली और लिनफंग आ जाते हैं और वो उसको रोक लेते हैं और कहने लगते हैं मेरे आगे सिट्टे को। तभी वहाँ पर बौद्धर गोंगयोंग आ जाता है और उनको वहाँ से भजा देता है। इस सब ये लोग कह रहे होते हैं आकेश कोहिनान के साथ साचुंगी और साथ में ये बौद्धर गोंगयोंग भी आ गए। तभी साचुंगी आ जाती है और कहने लगती है 5 दिन बाद तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, अब आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखते हैं एक घर के अंदर मोली और लिंगफांग बैठे होते हैं। लिंगफांग टेबल को पीटते हुए कह रहा होता है सीनियर ब्रदर, आप ये सब कैसे झेल सकते हैं? क्या आपका मन नहीं करता कि आप कोहिनान को टुकड़ों में बांट दें? इस तरह वो कहने लगता है चिंता मत करो, कॉम्पिटिशन आने वाला है, जब कॉम्पिटिशन आएगा तभी हम उससे अच्छी तरह से बदला लेंगे। इस तरह वो कहने लगता है कॉम्पिटिशन से कैसे बदला लेंगे, मतलब तुम एक 9th ग्रेड के जीनियस हो और कोहिनान तो सिर्फ एक लड़का है, तुम्हारी वैल्यू उससे ज़्यादा है तो लोग तुमको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करेंगे। तभी तुम कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर कोहिनान का काम तमाम करवा देना। इतने पर वो खड़ा जाता है, कहने लगता है, पर लेकिन सीनियर ब्रदर वो उसको रोक लेता है और कहने लगता है तुम्हारे पीछे मैं हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूँगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है। इधर रात हो चुकी होती है, अपने घर में कोहिनान बैठा होता है और अपनी मार्शल सोल उसने बाहर खोल रखी होती है और टेबल पर वो अपनी बायोन की दी गई गोलियाँ निकाल लेता है और उनको देख रहा होता है, सोचता है आखिर भाई उन्होंने जो मेरे को गोलियाँ दी है उनसे मेरी वॉर गॉड की सोल आखिर कितने लेवल पर पहुँच सकती है। उसकी वॉर गॉड की सोल उन सभी गोलियों की स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार खींच रही होती है। काफ़ी देर खींचने के बाद वो सारी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और रेत बन जाती हैं। पर कोहिनान देखता है कि उसकी एक भी ग्रेड नहीं बड़ी होती है, ये देखकर वो नाराज़ हो जाता है। वो कह रहा होता है ये 200 गोलियाँ कम से कम 2000 टेम्परिंग गोलियों के बराबर है और कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से उसकी वॉर गॉड सोल आवाज़ निकालने लगती है। जैसे वो आवाज़ निकालती है उसकी एक आंख चमक रही होती है और वो वॉर गॉड सोल बोलने लगती है तुम्हारी वॉर गॉड की लेफ्ट आई खुल चुकी है, इससे तुम हेवन अर्थ सबको देख सकते हो। इसी के साथ ही कोहिनान को एकदम ही सुनलांग सेक्शन के ऊपर पहुंचा देते हैं जहां पर उसे पूरे सेक्शन के फॉर्मेशन अरे सब दिख रहे होते हैं जो कि अदृश्य होते हैं। उनको देखने के बाद वो कह रहा होता है इसका मतलब मैं इसके अंदर जा भी सकता हूँ और मुझे कुछ होगा भी नहीं। ये जानकर वो काफ़ी खुश हो रहा होता है। सुबह हो जाती है और वो अपने गेट का ताला लगाकर निकल रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से साचुंगी आ जाती है और वो कहने लगती है जूनियर ब्रदर, उसको देखकर वो पीछे मुड़ता है और तुरंत ही सीनियर सिस्टर कहकर ग्रीट करने लगता है। इसके बाद वो उसके पास आती है और अपने पास से एक बीड निकाल कर वो कहने लगती है ये बीड तुम अपने पास रख लो, अगर तुम कहीं खतरे में होगे तो मैं तुम्हारे पास बिल्कुल आ जाऊँगी और तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगी। इस तरह वो कहने लगता है अरे सीनियर सिस्टर आप मेरे लिए ये सब मत करो, आप वैसे ही मेरे लिए बहुत सारी मदद कर चुकी हो। इस पर वो कहने लगती है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ वो चुपचाप से ले लो, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो मैं सोचूंगी कि तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानते हो। इस पर वो उसे ले लेता है। तभी उसकी नज़र सचुंगी के पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ जाती है। उसको ऐसा करते देख कर सचुंगी कहने लगती है ये मेरा भाई शिवलोंग है और ये भी न्यू डिसिपल्स में आया है और ये टॉप 10 के अंदर भी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ हो जाओ तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कम दिक्कतें होंगी। उसका नाम जानने के बाद कोहिनान तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगता है। इस पर वो उससे कहने लगता है मैंने सोचा था कि जिस लड़के ने सभी को ऑफेंड कर रखा है वो कम से कम कोई अच्छा एक्सपर्ट होगा, पर ये तो कुछ नहीं, ये तो फिफ्थ लेवल की फिर टेम्परिंग लेवल में। साचुंगी उससे कह रही होती है कैसी फालतू की ऐसी बातें कर रहे हो, इसमें रिलम कहाँ से आ गई, मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही जीत सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। साचुंगी पीछे घूमते हुए कोहिनान से कहती है कोहिनान इसकी बात का बुरा मत मानना, ये बचपन से ही ऐसा है। इस पर कोहिनान हाँ कर देता है और जबकि अभी वो शाओलोंग अभी एक बैट की बात कर रहा था उस पर कोहिनान साचुंगी से पूछने लगता है आखिर ये बैट क्या है। उसकी बैट का नाम सुनते ही साचुंगी शांत पड़ जाती है और कहने लगती है इस बैट से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, तुम अपने जाओ और कंपटीशन में भाग लो और अपने रिवार्ड्स को जीतो। कोहिनान सोच रहा होता है सीनियर सिस्टर अभी तक मुझे बताना नहीं चाह रही है, पर चाहे कुछ भी हो मुझे ये विंटेज कॉम्पिटिशन तो जीतना ही होगा सीनियर सिस्टर के लिए। इसके बाद वो सीधे कॉम्पिटिशन के ग्राउंड पर पहुँच जाता है। वहाँ पर हल्ले मच रहे होते, लोग बात कर रहे होते, लगता है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं। हाँ हाँ मैंने भी देखा यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अनप्रडिक्टेबल काम करते हैं। कोहिनान भी इन लोगों के बीच में आ जाता है और आगे जाते हुए सोचने लगता है चलो मैं तुम लोगों की पावर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कहाँ पर हो। इसी के साथ ही वो अपनी वॉर गॉड सोल की लेफ्ट आई का इस्तेमाल करने लगता है। उसके इस्तेमाल करते ही उसे सबकी रिलम और कल्टिवेशन पता पड़ जाती है और वो कह रहा होता है कम से कम 60 लोग से ऊपर उन लोगों के पास 7th लेवल की टेम्परिंग लेवल है। तभी अचानक से वहाँ पर
हलचल मचने लगती है। तभी हम आसमान में देखते हैं चार पांच एल्डर आ जाते हैं और वो कहने लगता है हम पांचों एल्डर तो टॉयलेट ट्रांसपोर्टेबल फॉर्मेशन को संभालेंगे, इसके बाद तुम्हें तो विंटेज स्टेट पर भेज देंगे और मेरे हाथ में जो तुमको स्टोन दिख रहा है इस तरह के करीब 20 स्टोन है और जिसके पास सबसे ज़्यादा होगी उसी हिसाब से उन सभी की रैंक को निकाला जाएगा। कॉम्पिटिशन में थर्ड आने वाले को कम से कम 500 गोलियाँ मिलेंगी शीतल रेलम की और सेकेंड आने वाले को थर्ड लेवल का एक्साइलर मिलेगा और फर्स्ट आने वाले को 9 टर्न गोल्डन पिल मिलेगी। जैसा सीनियर सिस्टर ने कहा वैसा ही हुआ। अवार्ड बहुत ही ज़्यादा अनोखे हैं। तभी अचानक से पीछे से लिंग फंग की आवाज़ आने लगती है और वो उसके पास अप्रोच करता है और वो कह रहा होता है क्विंग डान। इसके बाद वो सभी लोगों के बीच में आ जाने के बाद कहने लगता है सुनो सभी लोगों, क्विंग डान मेरा मोर्टल एनिमी है, अगर इसको जो भी कोई मारेगा तो मैं उसको फ्यूचर में जो मैंने कहा वो जरूर करूँगा। इस तरह सभी लोग कहने लगते हैं तो हम ब्रदर लिन को ये मदद जरूर देंगे। इसके बाद सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो फिफ्थ लेवल की टेम्परिंग लेलेम है, इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है ये लड़का, इसे तो मैं एक ही हाथ में मार दूंगा, कंपटीशन तो स्टार्ट होने दो। तभी एक और आ जाता है और वो कह रहा होता है मेरे भी हाथ खून से तरस रहे हैं, इसको मारने के बाद इसका सर मैं तुमको दे दूंगा ब्रदर लिन फांग। उनकी बातें सुनकर वो बहुत खुश होने लगता है और कह रहा होता है सभी को धन्यवाद। दूर पास ही में सियोतों खड़ा होता है, उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। सभी लोगों से टारगेट होना जो बहुत ही गलत बात है, लगता है ये लड़का अब तो गया। उन लोगों की बात सुनते हुए वहीं ग्रुप में वॉन्ग यांग भी खड़ा होता है और वो ये सब देखकर गुस्सा आ रही होती है और वो थूकते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक एल्डर बोलने लगता है लिंग फंग क्या मतलब है तुम्हारा, तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हो सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए। इस सर वो तुरंत ही गेट करते हुए कहने लगता है एल्डर कुछ दिन पहले इसने मुझे मार्शल आर्ट से प्लॉट करते हुए मुझे एक जगह पर फंसा दिया और इस वजह से मैं अब गोंगफो हॉल में कभी भी अपने जीवन में नहीं घुस सकता। ये सुनते ही वो एल्डर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है क्विंग डान तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने एक फेलो डिसिपल के सामने इतनी बुरी तरीके की चाले चलते हो। और कहने लगता है मैं सभी को आदेश देता हूँ सब लोग मिलकर इसको मार देना। उनकी बातें सुनते ही नीचे के लोगों में और जोश आ जाता है और उससे कहने लगते हैं क्विंग डान जैसे ही तुम मेरे आगे आए तुम तो ख़त्म हो। लिंग फंग कह रहा होता है देखा क्विंग डान तुमने, मेरे आगे खड़े होने वाले लोगों का यही हाल होता है और तुम भी तैयार ही रहना। उन सभी की ये बातें सुनते हुए क्विंग डान को बहुत जोर से हंसी आ जाती है और वो जोर से हंस रहा होता है। इस पर लिंग फंग कहने लगता है सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुमको अभी भी हंसी आ रही है। ये सर वो कहने लगता है मुझे इस बात पर हंसी नहीं आ रही कि तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि तुम लोगों का दिमाग कितना छोटा है। उस आदमी ने तुमसे कुछ भी कहा और तुम लोगों ने सीधे सीधी बात को सच मान लिया, इस हिसाब से पता चलता है कि तुम कितने बचकाने लोग हो। और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो कि तुम लोग मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं तुमको पूरी तरह से अपना साथ भी दूंगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।